चेहरा, कहा जाता है कि चेहरा हमारी पर्सनैलिटी का सबसे पहला हिस्सा होता है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। अगर आपकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है, शानदार है, कुछ इस तरह, लेकिन अगर आपके चेहरे पर वो तेज नहीं है, वो चमक नहीं है, तो भाई समाज की नजर में आपकी वो बॉडी कोई काम की नहीं है। ठीक है, आपकी उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज की ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके चेहरे को तेज बढ़ाने के लिए, आपकी आंखों की चमक बढ़ाने के लिए और आपके अंदर के खून को साफ करने के लिए सभी तरह के आयुर्वेदिक और प्राकृतिक नुस्खे बताऊंगा। ठीक है, और उनके साथ साथ कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे फूड्स बताऊंगा जिनकी मदद से आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर और आपका खून साफ हो सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर आपका जो चेहरा है वो हीरे की तरह चमकेगा। ठीक है, अगर आप इन नियमों को काफी ज्यादा अनुशासन के साथ फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहला नुस्खा है मलाई विद बेसन। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसन के साथ मलाई को घोल करके, ठीक है, उसे अपने चेहरे पर लगाना है पेस्ट की तरह। इससे क्या होगा, पहले ये सुन लो, ये पेस्ट आपके चेहरे के सारे मैल को खींच लेगा। जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती है कि हमारी ब्रांड की क्रीम आपके चेहरे पर सारे पॉल्यूशन को हटा देगी, सारे मैल को हटा देगी, तो भाई ये उसके आगे फेल है। ठीक है, मलाई विद बेसन, और ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, दूध में से बस थोड़ी सी मलाई लेनी है, और बेसन अगर आप 10 रुपये का 100 ग्राम लेते हो ना अच्छी ब्रांड का, तो भाई वो भी 10 दिन चल जाएगा। ठीक है, 10 रुपये में 10 दिन चलेगा, तो काफ़ी सस्ता है मलाई विद बेसन। उससे पहले आपको अपने चेहरे को साफ करना है। ठीक है, तो चेहरे को साफ करने के लिए आप फेस वॉश की जगह भाप लो। ठीक है, भाप लो, पानी गर्म करके रख लो और ऊपर से अपने तौलिए से अपने चेहरे को ढक लो, और भाई आपका चेहरा फेस वॉश से तो लाख गुना ज़्यादा साफ हो जाएगा। ठीक है, फेस वॉश आपके चेहरे की सारी चमक को खींच लेता है, ये बात ध्यान रखना। महंगा आता है वो अलग, ठीक है। दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह उठे तो आपको एलोवेरा का 10-15-20 मिनट के लिए पेस्ट लगा कर रखना है। एलोवेरा आप घर में बो सकते हो या फिर बाहर से एलोवेरा जेल मंगा सकते हो, मन चाहे ब्रांड का, ठीक है, अच्छी कंपनी का लाना। ठीक है, तो एलोवेरा आपको लाना है और लगा लेना है, और जब तक लगाए रखना है जब तक वो आपके चेहरे के सारी चमक आपके अंदर घोल ना दे, मतलब आपके स्किन सेल्स को, स्किन सेल के अंदर रम ना जाए। ठीक है, एलोवेरा आपको जब तक लगाए रखना है, और ये टाइमिंग जो होती है 20 से 25 मिनट की होती है। तो ये एलोवेरा तीसरा पॉइंट हो गया, और अगला है नींबू। देखो अब आ रही है गर्मी का मौसम आ रहा है, तो भाई नींबू जब से आपकी माता जी शिकंजी बनाती है ना, तो जो वो नींबू बच जाते हैं आप उनको अपने चेहरे पर लगा सकते हो अपने चेहरे को साफ करने के लिए। ठीक है, अगला है मुल्तानी मिट्टी। तो भाई मुल्तानी मिट्टी क्या करना है, आपको घोल बना लेना है, और घोल बनाने से मुल्तानी मिट्टी पहले करती क्या है ये सुन लो, ये हमारे मिजाज को ठंडा कर देगी अगर हम चेहरे पर और सिर पर इसको लगाते हैं तो। ठीक है, तो आपको इसे चेहरे पर लगाना है, आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिलेगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी के तो वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये तो हो गए कुछ ऐसे रेसिपी या फिर कुछ ऐसे नुस्खे जिनके लगाकर आपके चेहरे पर निखार आ सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आँखों के नुस्खों की। ठीक है, आँख आपको कैसे साफ करनी है ये सुन लो, आँख को आपको कैसे क्लीन करना है। सबसे पहले, सबसे मेन पॉइंट सुन लो आँखों को साफ करने का, जैसे ही आप सुबह उठो तो आपको अपने मुंह की लार लेनी है एक चुटकी। ठीक है, मुंह में से निकाल करके अपनी आँखों में, दोनों आँखों में गिरनी है। इससे क्या होगा, आपकी आँख की जो क्लियरिटी है देखने की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुरंत आपके आँखों का तेज बढ़ जाएगा, लेकिन भाई इसके लिए टाइम लगता है, आपको 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, और आप दोबारा से इस वीडियो पर आओगे और नीचे लाइक और कमेंट करके जाओगे। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट तो हो गया आंखों को साफ करने का कि आंखों में आपको अपनी सुबह की लार गेरनी है, और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आपको सुबह सुबह ठंडे पानी के छींटे लगाने हैं आंखों में। ठीक है, आपकी आंख ठंडी होगी तो भाई आपका पूरा मिजाज, पूरा शरीर ठंडा होगा, और शरीर को ठंडा रखने का बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे, गिनवा नहीं सकता मैं। ठीक है, तो अपने आंखों में छींटे लगाओ, आंखों की रोशनी बढ़ाओ, साफ सीधी बात है। तो आंखों के लिए 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब आता है फूड्स जो आपकी आंखों को और आपके चेहरे का तेज बढ़ाएंगी। सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान से सुन रहा, आपको सीजनेबल फूड और वेजिटेबल खाने हैं। मौसम के अनुसार हर तरह के फल खाओ, हर तरह की सब्जियां खाओ। जैसे कि अब गर्मी आने वाली है, गर्मियों में आम चलेंगी, लीची चलेंगी, ठीक है, और खीरे, ककड़ी, ये सब्जी चलेंगी। तो भाई इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका टॉपिक होगा कि समर के लिए सबसे बेस्ट फूड आइटम्स जो आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल चेहरे का तेज करने के लिए आपको हर सीजन में हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। ठीक है,
और आपको एक चीज जो है वो हमेशा खाते रहना है, वो है केला या फिर केले का जूस। ठीक है, केले का जूस पियो, केले का जूस मतलब बनाना शेक। ठीक है, तो ये दो चीज हो चुकी है हमारी, नुस्खे और फूड्स। अब आता है नियम। तो भाई नियम जो है ना, बस ब्रह्मचर्य का नियम है और कुछ भी नियम नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जाकर देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लास्ट का पॉइंट आता है, अपने आप को, अपने खून को साफ कैसे करें। देखो भाई, जिन भाई लोगों का खून साफ होता है ना, उनके चेहरे पर कभी पिंपल्स नहीं हो सकते, ये दावे की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपका खून साफ नहीं है, आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, छोटे मोटे दाग हैं, तो भाई आप अपने खून को साफ करो। उसके लिए सबसे मेन जो है करेला, आप करेले का सेवन करो। करेला में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि हमारे चेहरे के मतलब हमारे अंदर के सारे गंदगी को साफ कर देते हैं और खून की भी गंदगी को साफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको खून साफ करने के लिए जो सबसे मेन पॉइंट अपनाना है ना, वो है नीम का रस। ठीक है, नीम का रस या फिर आप नीम की पत्ती खा सकते हो सुबह सुबह। नीम की पत्तियां के अनंत फायदे हैं, खून तो भाई साफ होगा ही। ठीक है, तो आप सुबह सुबह नीम की पत्तियों का सेवन करो। और नीम की पत्तियां ये नहीं आपको कोई सी भी खा लेनी है, आपको कच्ची कली जो होती है ना, लाल कलर की, लाल लाल सी होती है थोड़ी सी, आपको उनका सेवन करना है, नीम की पत्तियों का। ठीक है, और आपको सभी तरह के जूस का सेवन तो करना ही है खून साफ करने के लिए। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि आपको खून साफ करने के लिए एंटी बैक्टीरियल फूड्स खाने हैं जो कि आपके शरीर से बैक्टीरिया ख़त्म करेंगे। तो कुछ पॉइंट तो मैंने बता दिए, और भाई जितने भी पॉइंट बताए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, एक आम आदमी भी इन सभी चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, और अभी अब होली आने वाली है, तो भाई सभी भाई को हैप्पी होली। जय हिंद, जय भारत। वीडियो टॉपिक कमेंट कर देना, वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।